कल अपन ने माइटोसिस ये टॉपिक पढ़ा था, उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेप थे। और उसके बाद भी अपन ने साइटोप्लाज्म डिवाइड होता उस स्टेप को बोला था अपन ने साइटोकाइनेसिस। आज अपन चालू करने वाले हैं मियोसिस। तो मियोसिस कंप्लीट होता है 2 स्टेज में। 2 स्टेज के नाम है मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर ऑकर बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब ये तीनों वर्ड्स आपके लिए नए हैं। जैसे मैंने आपको पहले पिछले बार माइटोसिस, मियोसिस, स्टेम सेल, सोमेटिक सेल ये सब लिख के दिया था, अभी वही बोल रहा हूँ। आप सब ये बातें लिख लो, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो रिकॉम्बिनेशन माने रीअरेंजमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उसके नाम से ही आपको समझता है, री माने फिर से, कॉम्बिनेशन माने तैयार होना। तो क्या हो रहा है? रीअरेंजमेंट हो रहा है किसका? जेनेटिक मटेरियल का। क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जीन्स, जीन्स के अदला बदली हुई काय में बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम। एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। और बाद में बोला अपन ने होमोलॉगस क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोसोम, यानी अपने को सरी के क्रोमोसोम दिख रहे, उनकी लेंथ भी सेम है, सेंट्रोमियर की पोजीशन भी सेम है, ऐसा सिमिलर क्रोमोसोम रहा मॉर्फोलॉजिकली, यानी ऊपर से अपने को सिमिलर क्रोमोसोम दिख रहा है, तो वो क्रोमोसोम को बोलेंगे अपन होमोलॉगस क्रोमोसोम। एक बार फिर से तीनों डेफिनेशन बता रहा हूँ। रीअरेंजमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम। और बाद में सिस्टर क्रोमैटिड माने क्या? सिस्टर क्रोमैटिड का मतलब होता है कि टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम के दो आइडेंटिकल कॉपीज, दो सर की कॉपीज। क्रोमोसोम किती? एकस। तुझे किती कॉपीज मिळाल्या? दोन। कसे मिळाल्या? सारखे। त्यांना म्हटलं आपण सिस्टर क्रोमॅटिड। आणि दोन आयडेंटिकल कॉपीज कशाने तयार होतील? डीएनए रेप्लिकेशनमुळे। मग डीएनए रेप्लिकेट होतो, मग त्याच्यासारख्याच नवीन कॉपीज तयार होतात। डीएनए रेप्लिकेशन मागच्या वेळेस आपण टॉपिक शिकलेलो आहे, पुन्हा एकदा रिपीट। सिस्टर क्रोमॅटिड्स आर टू आयडेंटिकल कॉपीज ऑफ सेम क्रोमोझोम फॉर्म बाय डीएनए रेप्लिकेशन। मियोसिस पढ़ रहे अपन, 4 डेफिनेशन अभी बोला आपने आपको, रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, होमोलॉगस क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमैटिड। मियोसिस कंप्लीट होता है 2 स्टेज में, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में रिकॉम्बिनेशन यानी क्रॉसिंग ओवर होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम में, और होमोलॉगस क्रोमोसोम डिवाइड होता है 2 ग्रुप में, एंड दस 2 हैप्लॉयड सेल्स आर फॉर्म। माने हैप्लॉयड सेल माने क्या? एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, वहां पे क्रोमोसोम्स ये एन नंबर में रहेंगे यानी पेयर में रहेंगे नहीं। फिर से रिपीट, क्या हो रहा है? मियोसिस 1 पढ़ रहे अपन। मियोसिस 1 में क्रॉसिंग ओवर होता है या रिकॉम्बिनेशन होता है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, और उसके बाद में होमोलॉगस क्रोमोसोम डिवाइड होता है 2 ग्रुप में, और अपने को मिलते हैं 2 हैप्लॉयड सेल्स आर फॉर्म। 2 हैप्लॉयड सेल्स मिल गए हैं, ये आप जो अभी मैं आपको क्लिप बता रहा हूँ उसमें आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट मियोसिस 2। अभी मियोसिस 2 माइटोसिस जैसा है, तो मियोसिस 1 में क्या मिला अपने को? 2 हैप्लॉयड डॉटर सेल मिले। फिर से रिपीट, हाँ, क्या मिला अपने को मियोसिस 1 में? 2 हैप्लॉयड सेल मिले। ओ होंगे अंडरगो डिवाइड, अंडरगोज डिवीजन बाय सेपरेशन ऑफ रिकॉम्बाइंड सिस्टर क्रोमैटिड। जो सिस्टर क्रोमैटिड है
जो दो आइडेंटिकल कॉपीज है क्रोमोसोम की, सेम क्रोमोसोम की, वो सेपरेट हो जाएंगी, फिर से रिपीट, मियोसिस टू। माइटोसिस जैसा है, अपने को मियोसिस वन में दो हैप्लॉयड सेल मिले, वो होंगे डिवाइड बाय, कैसे डिवाइड होंगे, बाय सेपरेशन ऑफ रिकम्बाइंड सिस्टर क्रोमेटिड। जो सिस्टर क्रोमेटिड है, जो पहले पेयरिंग में थे, जो पहले अनसेपरेटेड थे, वो अब सेपरेट हो जाएंगे और अपने को चार डॉटर सेल मिलेंगे, यानी एक डिप्लॉयड सेल से अपने को चार हैप्लॉयड सेल मिल रहे हैं अभी, फिर से रिपीट। क्या हो रहा है, मियोसिस टू बढ़ रहे अपन, दो डॉटर सेल मिले विच अंडरगो डिवीजन बाय सेपरेशन ऑफ रिकम्बाइंड सिस्टर क्रोमेटिड एंड फोर हैप्लॉयड डॉटर सेल्स आर फॉर्म। अभी मियोसिस में क्या मिलता है अपने को, गमिट मिलता है, गमिट माने सेक्स सेल, एग्स, उसको बोलते अपन गमिट, मेल गमिट, फीमेल गमिट। फ्लावर मध्ये अपन फीमेल गमिटला एक म्हणतो, त्याच्या आजूबाजूला दोन सिनर्जिड असतात, हे आपण फ्लावरमध्ये शिकलेलं आहे। तर प्रोसेस ऑफ गमिट प्रोडक्शन आणि स्पोर फॉर्मेशन, पोलन ग्रेन तयार होणे, स्पोर तयार होणे, हे होते सगळं मियोसिसमध्ये। प्रोसेस ऑफ गमिट प्रोडक्शन अँड स्पोर फॉर्मेशन ऑकर बाय मियोसिस। इन दिस टाइप ऑफ सेल डिविजन फोर डॉटर सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम वन डिप्लॉइड सेल। एक डिप्लॉइड सेल पासन चार हैप्लॉइड सेल मिळाले आपल्याला। वन डिप्लॉइड सेल अंडरगोज मियोसिस डिविजन और डिवाइड बाय मियोटिकली टू फॉर्म फोर हैप्लॉइड सेल। हे नीट तुम्ही अंडरलाइन करून ठेवा की एक डिप्लॉइड सेल असतो मियोसिस टू मध्ये, त्याच्यापासून आपल्याला चार डॉटर सेल मिळतात, चार हॅप्लॉइड सेल मिळतात, आणि या ड्युरिंग दिस सेल डिव्हिजन क्रॉसिंग ओवर ऑकर बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोझोम अँड देअर बाय जिनेटिक रिकॉम्बिनेशन ऑकर। आता या प्रत्येक गोष्टीचा तुम्हाला अर्थ माहिती आहे म्हणून तुला जास्त रिपीट करत नाही। क्रॉसिंग ओवर होते होमोलॉगस क्रोमोझोममध्ये आणि त्यामुळे आपल्याला जिनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाहायला मिळते। जे चार डॉटर सेल मिळतात, जो अपने को चार डॉटर सेल मिल रहे एक डिप्लॉयड सेल से, वो जीनेटिकली डिफरेंट रहते हैं पेरेंट सेल से और एक्मिक से भी। ड्यू टू दिस ऑल द फोर डॉटर सेल आर जीनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट सेल एंड फ्रॉम ईच अदर टू मियोसिस टू। एक बार फिर से आप सज्जन ने बराबर पढ़ लेना, इजी है। मियोसिस टू का काम कब आता अपने को, प्रोडक्शन ऑफ गमिट प्रोडक्शन एंड गमिट प्रोडक्शन के टाइम पे और स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे। बाद में अपने को इसमें एक डिप्लॉयड सेल से चार हैप्लॉयड सेल मिले हैं और सेल डिवीजन के टाइम पे क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम और उसके कारण जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मिलता है करके, चारों भी जो हैप्लॉयड सेल है वो पेरेंट सेल से डिससिमिलर रहेंगे, यानी सरीके रहेंगे नहीं और एक मिक से भी अलग रहेंगे, एंड चारों में कोई भी कंबाइंड कैरेक्टर अपने को दिखने मिलेगा, चारों भी सबके सब अलग रहेंगे। नेक्स्ट एक एक्टिविटी दी है आपको, वो देख लो एक बार। एपरेटस में कोनिकल फ्लास्क, ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, फोरसेप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वॉश ग्लास। अब वॉश ग्लास माने क्या, कि कांच की एक थोड़ी सी ऐसा डिश रहती है छोटी सी, उसको अगर वॉश ग्लास बोलते हैं। फोरसेप माने डिसेक्शन बॉक्स के अंदर एक, क्या बोलते अपन, ऐसा चिमटा रहता है, उसको बोलते अपन फोरसेप। मटेरियल मीडियम साइज ओनियन, आयोडीन सॉल्यूशन। क्या किया अपन ने, डायग्राम देख लो एक बार, जो मैंने आपको बताया अभी क्लिप, वो यानी आपको इजीली समझ में आएगा। एक मीडियम साइज का ओनियन लिया, प्याज लिया, उसको ऐसा उल्टा रखा कोनिकल फ्लास्क में, कोनिकल फ्लास्क भरा था पानी से। 3-4 दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद में वो पैच में से रूट्स बाहर आएंगे,
और रूट्स को कट करना, कट करके वॉश ग्लास में डालना। वॉश ग्लास माने क्या बोला मैंने आपको, कांच की डिश। वॉश ग्लास में अपन ने ओनियन रूट डाले, उसके अंदर आयोडीन का सॉल्यूशन डाला, यानी ड्रॉप ऑफ आयोडीन डाला, और उसमें से अपन ने सिर्फ एक ओनियन रूट लिया, उसके टिप को कट किया। टेक वन ऑफ द रूट टिप ऑन ग्लास साइड, उसको प्रेस किया अपने फोरसेप्स से, फोरसेप्स माने चिमटा। उसके बाद में अपने एक दो ड्रॉप वाटर डाला उसमें, और उसके ऊपर कवर स्लिप रखी, और जो कुछ अपन ओनियन रूट टिप है आयोडीन में डाला हुआ, उसके ऊपर एक दो अपन ने पानी के बूंद डाले, और उसके बाद में कवर स्लिप रखी। कवर स्लिप ऐसे रखना कि उसके अंदर कोई भी एयर बबल रहेंगे नहीं, और वो स्लाइड ऑब्जर्व करना अपन ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। अपने को जो ये पांच डायग्राम दी गई है नीचे की, वो सिक्वेंसली है, प्रोफेज वन, प्रोफेज टू, बाद में मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज, ये अपन ने कल देखे थे। वो पांचों भी फेज में से एक कोई ना कोई फेज अपने को वहाँ पे देखने को मिलेंगी, कोई भी एक फेज, सबके सब नहीं। फिर से एक बार रिपीट, ये एक्टिविटी क्या लिया, पैज लिया, काय में रखा, कोनिकल फ्लास्क में। कोनिकल फ्लास्क में कैसा रखा, उल्टा। कोनिकल फ्लास्क कैसे भरा, पानी से। चार पाँच दिन के बाद क्या आया अपने को, रूट्स आया। रूट्स को क्या किया अपन ने, कट किया। काय में रखा, वॉश ग्लास में, उसके अंदर क्या डाला अपन ने, आयोडीन सॉल्यूशन। उसमें से सिर्फ अपन ने एक ओनियन रूट टिप लिया, उसको प्रेस किया फोरसेप्स से, और प्रेस करने के बाद में उसके ऊपर एक दो ड्रॉप अपन ने वाटर के डाले, कवर स्लिप रखी इस तरह से कि उसके अंदर कोई भी एयर बबल नहीं रहेंगे, और बाद में अपन ने उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, तो अपने को ये कोई तो भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में से कोई ना कोई एक स्टेज अपने को उसमें दिखेंगी। अब आएंगे अपन पेज नंबर 21 पे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5C, विद हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन 5 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। तो अपने को मियोसिस के देखो 5 स्टेप है पेज नंबर 19 पे, यानी सॉरी मियोसिस की नहीं, प्रोफेज 1 के जो 2.8 की फिगर है वो देखो बराबर। उसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लेबलिंग किए है, वो 5 स्टेजेस है, लेकिन अपने को टेक्स्ट बुक में बस इतना ही दिया गया है, लेकिन अपने को इसका पूरा आंसर तो होना, और वो भी अपने को एक्सप्लेन करके होना, क्योंकि क्वेश्चन ही दिया है अपने को, एक्सप्लेन द 5 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। तो इसका आंसर पहले ही मैंने आपको दे दिया है, वो आप बराबर देख लो। अब अपन देखेंगे 5 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। प्रोफेज 1 मियोसिस की, ये सब मियोसिस के स्टेजेस में से सबसे लंबी फेज है। प्रोफेज 1 डिवाइड किए गए हैं 5 स्टेज में। देखो हाँ, अपन ने पिछले बार देखा था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये कैरियोकाइनेसिस माने न्यूक्लियर डिवीजन के 4 स्टेप है, बराबर है ना। ये अपन ने माइटोसिस में देखा था। अब क्या देख रहे हैं अपन, मियोसिस के प्रोफेज 1 सिर्फ। तो प्रोफेज 1 बहुत लंबी फेज है, प्रोफेज 1 को डिवाइड किया गया है 5 सब स्टेज में। 5 सब स्टेज का नाम है लेप्टोटिन, जायगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड काइनेसिस। लेप्टोटिन, जायगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, काइनेसिस, दीज आर द 5 सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। तो उसमें ये पहली स्टेज लेप्टोटिन। इनिशियली द क्रोमोसोम स्टार्ट कंडेंसेशन,
कंडेन्सेशन टू बिकम शॉर्ट, आकुंचन पावणे, जवळजवळ येणे, मायटॉसमध्ये आपण शिकलो होतो क्रोमोझोम कंडेन्स होतील और एकमेक के नजदीक आएंगे एंड दे बिकम कॉम्पैक्ट ड्यूरिंग लेप्टोटिन. क्या पढ़ रहे अपन? प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस के पांच स्टेप पढ़ रहे, उसमें का पहला पढ़ रहे अपन लेप्टोटिन. लेप्टोटिन में ध्यान में रखना सिर्फ इतना ही है अपने को लेप्टोटिन में कि क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट होगा और क्रोमोसोम बन जाएंगे कॉम्पैक्ट यानी नजदीक नजदीक आ जाएंगे. लेप्टोटिन क्रोमोसोम स्टार कंडेंसेशन एंड दे बिकम कॉम्पैक्ट ड्यूरिंग लेप्टोटिन. नेक्स्ट स्टेप जायगोटिन. होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे एंड जो सरीखे क्रोमोसोम से मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर क्रोमोसोम है दे स्टार्ट पेयरिंग और वो पेयरिंग को बोलेंगे अपन सिनेप्सिस. तो बॉडी मीन बाय सिनेप्सिस द पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस. और जो स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे अपन सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा टू होल्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ड्यूरिंग द पेयरिंग. स्ट्रक्चर को बोला अपन ने सिनेप्टोमेल कॉम्प्लेक्स, वो तैयार होगा वहां पे क्योंकि पेयरिंग के समय में वो क्रोमोसोम को होल्ड करके रखेगा. फिर से एक बार रिपीट, जायगोटिन में पेयरिंग होगा होमोलॉगस क्रोमोसोम का और पेयरिंग को बोलेंगे अपन सिनेप्सिस और जो स्ट्रक्चर रहेगा उसको बोलेंगे अपन सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. वो क्या करेगा? वो पेयरिंग के समय क्रोमोसोम को होल्ड करके रखेगा. ईच क्रोमोसोम्स क्रोमेटेड. क्रोमोसोम का क्रोमेटेड, क्रोमेटेड माने कि आपको मालूम है हाँ जो आइडेंटिकल कॉपीज बनती है उसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड. जो क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स के आरम हैं वो डिवाइड होंगे और जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसको बोलेंगे अपन बायवैलेंट और टेट्रार. टेट्रार माने चार, जो अपन ने फिगर देखी थी पेज नंबर 18 पे 2.5 के. तो देखो टेट्रार है, टेट्रार माने चार है और जो स्ट्रक्चर कैसा है बायवेलेंट है एंड ऊपर में पी आर्म है नीचे में क्यू आर्म है. फिर से एक बार रिपीट, क्या देख रहे अपन? जायगोटिन होमोलॉगस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग. दिस पेयरिंग इज कॉल्ड सिनेप्सिस. द स्ट्रक्चर सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डेवलप टू होल्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ड्यूरिंग द क्रोमोसोम. क्रोमोसोम के क्रोमेटेड आर्म डिवाइड होंगे और जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसको बोलेंगे बायवेलेंट और टेट्रार. डायग्राम में देख लो बराबर बायवेलेंट का है तो आपको समझ में आएंगे. उसके नीचे लिखा है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. तो ये था सेकंड स्टेज जायगोटिन. यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम, पहले लेप्टोटिन में सिर्फ क्रोमोसोम कंडेंसेशन होगा और वो कॉम्पैक्ट होंगे. जायगोटिन में होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होगा, उसको लिखा मन सिनेप्सिस. सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स तैयार होगा कि जो क्रोमोसोम को होल्ड करके रखेगा ड्यूरिंग द पेयरिंग और बाद में क्रोमोसोम के क्रोमेटिड डिवाइड होंगे और स्ट्रक्चर मिलेगा उसको लिखा मन बायवेलेंट और टेट्रार. नेक्स्ट पैकेटिन. पैकेटिंग स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम. क्रॉसिंग ओवर म्हणजे काय? जीन्सचं एक्सचेंज होईल होमोलॉगस क्रोमोझोममध्ये. दोन सारख्या क्रोमोझोममध्ये जीन्स इकडनं तिकडे जातील आणि तिकडे इकडे येतील. ड्युरिंग पॅकेटिंग स्टेज क्रॉसिंग ओवर ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोझोम टेक्स प्लेस. नॉन सिस्टर क्रोमॅटिड म्हणजे दोन आयडेंटिकल कॉपीज एकाच क्रोमोझोमच्या कि जे डीएनए रेप्लिकेशन पासन बनतात. सिस्टर क्रोमेटेड आर द टू आयडेंटिकल कॉपीज ऑफ द सेम क्रोमोझोम फॉर्म बाय डीएनए रेप्लिकेशन. नीट लिहून ठेवा, नीट जे सांगतोय ते नीट लक्षात ठेवा. काय पाहतो आपण? पॅकेटिंग स्टेज.
का सांगितलं पॅकेटिंग स्टेजमध्ये क्रॉसिंग ओवर होईल कोणाचं, नॉन सिस्टर क्रोमॅटेडचं ऑफ होमोलॉगस क्रोमोझोम टेक्स प्लेस ड्युरिंग पॅकेटिंग स्टेज, क्रॉसिंग ओवर ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमॅटेड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोझोम टेक्स प्लेस. त्यामुळे त्या एक्सचेंजमुळे, क्रॉसिंग ओवरमुळे जिनॅटिक रिकॉम्बिनेशन होईल. जिनॅटिक रिकॉम्बिनेशन इज प्रोड्यूस ड्यू टू सच एक्सचेंज. पण होमोलॉगस क्रोमोझोम हे अजूनही पेअरमध्येच राहील ॲट द साईट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. द होमोलॉगस क्रोमोझोम स्टील रिमेन पेअर्ड ड्युरिंग ऑर टुगेदर ॲट द साईट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. तीन पॉइंट आहे, तीनों के तीनों पॉइंट बराबर ध्यान में रखो. पैकेटिंग देख रहे अपन, नीट बराबर समझ के लो. क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा. किसका होगा? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड का. ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस. क्रॉसिंग ओवर ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस. क्या तैयार होगा? जिनेटिक रिकॉम्बिनेशन. होमोलॉगस क्रोमोसोम कैसे रहेंगे? वो अभी भी पेयर्ड में रहेंगे. डायग्राम में देख लो आप, पैकेट इन के क्रॉसिंग ओवर इन होमोलॉगस क्रोमोसोम, वो अभी भी पेयरिंग में एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. होमोलॉगस क्रोमोसोम स्टिल रिमेन पेयर्ड टुगेदर एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. नेक्स्ट डिप्लोटिन. डिप्लोटिन में जो सेकंड स्टेज पे, जायगोटिन स्टेज पे जो सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ था, वो अभी यहाँ पे डिजॉल्व हो जाएगा. ड्यूरिंग डिप्लोटिन सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व एंड होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ बायोवेलेंट ऑफ द बायोवेलेंट सेपरेट एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर. एक बार पैकेट इन की डायग्राम देख लो, वहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम कैसे है वो देखो, और उसके बाद में डिप्लोटिन के होमोलॉगस क्रोमोसोम कैसे है या क्रोमोसोम कैसे है वो एक बार देख लो. तो आपको समझ में आएगा कि जो उधर होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयरिंग में थे और यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए सिर्फ एक पॉइंट छोड़ के, कि जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ. फिर से एक बार रिपीट, डिप्लोटिन पढ़ रहे अपन. जो कॉम्प्लेक्स था, जो पेयरिंग था होमोलॉगस क्रोमोसोम का, वो डिसॉल्व हो जाएगा. माने सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाएगा एंड होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ द बायोवेलेंट सेपरेट. जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाएगा सिर्फ एक पॉइंट छोड़ के, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुए. डज इट लुक्स लाइक एक्स शेप स्ट्रक्चर. अब क्रोमोसोम दिखेगा अपने को एक्स शेप स्ट्रक्चर जैसा, यानी कि पेज नंबर 18 पे जो अपने को 2.5 की फिगर है वो एक्स शेप स्ट्रक्चर है, उसी तरह से अपने को दिखेगा. अपने डायग्राम में भी देख लो एक बार डिप्लोटिन के, आपको वैसे ही दिख रहा है. एंड जो क्रोमोसोम है वो कैसे दिखेंगे अपने को? एक्स शेप स्ट्रक्चर. और उसको बोलेंगे, एक्स शेप स्ट्रक्चर को बोलेंगे अपन काइजमेटा. Such a structure having X shape called chiasmata during diplotin synaptonemal complex dissolve, yani jo pairing thi wo dissolve ho jayenge. Homologous chromosome bivalent jo the wo separate ho jayenge ek point chhod ke at the point of crossing over, except at the point of crossing over does it looks like X-shaped structure called chiasmata. और वो देखेंगे अपने X-shaped structure जैसा, उसको लेंगे अपन chiasmata. Last stage, prophase 1, meiosis की diakinesis. The last phase of prophase is for the termination of chiasmata. Chiasmata का यहाँ पे termination हो जाएगा. डायग्राम में देखो आप, सबसे ऊपर दिख रहा है काइनेटिक स्पिंडल, माने स्पिंडल फाइबर है वो भी तैयार हो जाएंगे. द स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट. पहले में क्या हुआ, लास्ट फेज में क्या है? टर्मिनेशन ऑफ कायस्मेटा है, स्पिंडल फाइबर तैयार हो गए.
जो होमोलॉगस क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर चालू था वो अभी होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे एंड क्रॉसिंग ओवर स्टॉप हो जाएगा एंड एक्सचेंज ऑफ जीन्स बंद हो जाएंगे एंड क्रॉस ओवर होमोलॉगस क्रोमोसोम आर नॉट सेपरेटेड। बाद में जो आप देख लो डायग्राम बराबर लेप्टोटिन की, वहाँ पे आपको न्यूक्लियोलस दिखा था, जाइगोटिन में न्यूक्लियोलस दिखा था, बाद पैकेटिन में डिसअपियरिंग न्यूक्लियोलस दिखा था, लेकिन डायकाइनेसिस में अब न्यूक्लियोलस पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा और जो न्यूक्लियर एनवलप है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगी। डायग्राम में देखो आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डॉट डॉट डी ए आपको एंड न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक डाउन हो जाएंगी, फिर से डायकाइनेसिस, टर्मिनेशन ऑफ कैसमेटा इन द लास्ट फेज ऑफ द प्रोफेज, स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट एंड द क्रॉस ओवर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर नाउ सेपरेटेड, द न्यूक्लियोलस डिसअपियर चले जाएंगे नष्ट हो जाएंगे और न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक डाउन। तो ये पांच स्टेज थी प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, पहले में हुआ सिर्फ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम और क्रोमोसोम हुआ कॉम्पैक्ट, सेकंड में होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग हुआ, उसको अपन ने सिनेप्सिस और एक कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ जो होल्ड करके रखेगा क्रोमोसोम को ड्यूरिंग द पेयरिंग। बाद में क्रोमोसोम के क्रोमेटिड आर्म डिवाइड होंगे और स्ट्रक्चर मिलेंगे अपने को बायवेलेंट जाइगोटिन में, बाद में पैकेटिन देखा था अपन ने, पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस। बाद में यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तैयार होगा ड्यू टू सच एक्सचेंज और होमोलोगस क्रोमोसोम अभी भी वहाँ पे पेयर्ड में रहेंगे एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। बाद में डिप्लोटिन में सिनेप्टियल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व हो जाएगा और होमोलोगस क्रोमोसोम जो बायलेंट है वो सेपरेट हो जाएंगे एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर और वो दिखेंगे अपने को एक्स शेप जैसा, उसको लेंगे अपन कैसमेटा। बाद में डायकाइनेसिस, ये जो डायकाइनेसिस था लास्ट फेज था प्रोफेज का, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट हुए, क्रॉस ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम आर नॉट सेपरेटेड, न्यूक्लियोलस पूरी तरह से चला गया और न्यूक्लियर एनवलप भी ब्रेक डाउन हुई। तो ये पांचों स्टेज विथ डायग्राम अपने को लिखने पड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5C में, बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इसका आंसर टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये पूरा अपन ने दिया है आपको, ये बराबर इसको लर्न कर लेना। एक्सप्लेन द 5 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस। अब यहाँ पे अपना थर्ड लेसन ये पूरा हो गया है, इसको अच्छे तरह से करना। उसके बाद में कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमको वो जो फिगर थी उसके लेबलिंग मालूम नहीं है, तो जो 2.1 की फिगर है वो देख लो एक बार और उसकी लेबलिंग बराबर लिख लो। जो आपके लेफ्ट साइड है वहाँ पे 6 बॉक्स है और आपके राइट साइड में 2 बॉक्स है, तो सबसे पहले आपके लेफ्ट साइड में जो ऊपर 3 बॉक्स दिए हैं वहाँ पे लिखो नोज, माउथ, लैरिंग्स, LARYNX, नोज वहाँ पे NOSE करो, हाँ NASE दिया है। बाद में फोर्थ नंबर पे ब्रोंका है, BRONCHA है। बाद में डायफ्राम और जो नीचे दिया है वो है अल्वियोलस, ALVEOLUS, और राइट साइड में ऊपर में है ट्रकिया और नीचे है लंग्स। बाद में और एक फिगर है जो है पेज नंबर 21 पे, सॉरी हाँ 18 पे, 2.5 क्रोमोसोम की फिगर, वो देखो एक बार आप, P आर्म, सेंट्रोमियर, Q आर्म, DNA।
पी आर्म, सेंट्रोमियर, क्यू आर्म, डीएनए, बाद में फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन नंबर वन, और उसका एक्सप्लेनेशन भी है, एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अभी इसके फिलहाल में फिल इन द ब्लैंक लिख लो। पहले फिल इन द ब्लैंक का आंसर है 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, जो फर्स्ट नंबर की फिल इन द ब्लैंक है उसके आंसर है 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। सेकंड नंबर पे पाइरुवेट, पी वाई आर यू वी ए टी ई। थर्ड नंबर पे पैकेटिन, पी ए सी एच वाई टी आई एन ई, सॉरी पी ए सी एच वाई टी ई एन ई। फोर्थ नंबर पे मेटाफेज। फिफ्थ नंबर पे फॉस्फोलिपिड, और सिक्स्थ नंबर पे एनारोबिक, और मसल सेल परफॉर्म एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर टू थ्री और फोर्थ मैं आपको रेडीमेड प्रोवाइड करूँगा, उसको बराबर लिख लेना बाद में।